कि वो लोग पहुंचाते तो हैं लेकिन एहतियात नहीं है पहुंचाने में, पहुंचाने में भी एहतियात चाहिए, हासिल करने में एहतियात चाहिए, पहुंचाने में भी एहतियात चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को एक बात पता है और 10 बातें पहुंचाए तो क्या होगा? हम देखते हैं कि ये एक बहुत सीरियस बात है। अल्लाह के नाम में अगर कोई बात हमने गलत कही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में अगर कोई गलत बात कहे, ये बहुत सीरियस बात है। सिर्फ पहुंचाना जरूरी नहीं है, आज बहुत से लोग हैं जिनमें पहुंचाने का जज्बा है लेकिन एहतियात नहीं है। तो हमें पहुंचाने के जज्बे के साथ साथ एहतियात भी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बल्लेगो अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मुझसे, अपनी तरफ से पहुंचाओ नहीं कहा। चाहे एक आयत क्यों ना, एक आयत पता है तो एक आयत पहुंचाने कहा, 10 तो पहुंचाने नहीं कहा, खुद की तरफ से पहुंचाने नहीं कहा, कुछ भी पहुंचाओ बस पहुंचाओ ऐसा भी नहीं कहा। और उसी हदीस में अगर आप आगे देखेंगे, सही बुखारी की हदीस है ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी हदीस में, मन कज़बा अलैया मुतामिदन, जो मेरे नाम में जानबूझकर झूठी बात मंसूब करेगा, झूठी बात मंसूब करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में, फलयतबव्वा मक़दहु मिनन नार, वो अपने लिए जहन्नम की आग में जगह बना लेगा। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में झूठी बात करता है उसके लिए क्या मिलता है? उसे जहन्नम की आग में जगह मिलेगी। किसे? चोरों को नहीं, डाकुओं की बात हो रही है यहां पे। यहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में कोई शख्स बात पहुंचा रहा है लेकिन कज़ब अलैया मुतामिदन, जानबूझ के झूठी बात पहुंचा रहा है, तो क्या होगा? उस शख्स को क्या मिलेगा? जहन्नम की आग में जगह मिलेगी। ये बहुत सीरियस गुनाह है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनें, आप सबसे एक अपील है, पहले तो आप जो अच्छी चीज, सही चीज, साबित चीज सीख रहे हैं वो पहुंचाइए, और दूसरी चीज उसके अंदर एहतियात रखिए। पहुंचाने में जो कंफर्म्ड है, जो साबित शुदा है, उसे पहुंचाइए, वैसे ही पहुंचाइए जैसे मिला, उसे चेंज, कुरान और हदीस की बात के अंदर बहुत एहतियात होनी चाहिए कि चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह 16 आयत नंबर 116 में, वला तकूलु लिमा तसिफु अलसिनतकुमुल कज़िबा, जो तुम्हारी जुबानें गढ़ती है उससे ऐसी बातें मत कहो, हद हलाल, ये हलाल है, वह हद हराम, ये हराम है, लितफ्तरु अलल्लाहि अलकज़िब, और इस तरह से अल्लाह पर झूठ मत बांधो। अल्लाह ताला फरमाया इन्नल लदीना यफ्तरूना अलल्लाहि अलकज़िबा ला युफ्लिहून, वो लोग जो अल्लाह के नाम में झूठ कहते हैं वो लोग कामयाब नहीं होने वाले, मताउन कलील, बहुत कम फायदा है, वलहुम अज़ाबुन अलीम, लेकिन दर्दनाक अजाब है उसके बाद। तो मेरे भाई मेरी बहने, ये चीज में एहतियात होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हदीस में उभारा भी गया है और उसी हदीस में आगे एहतियात भी है, उसी हदीस में एक्सेलरेटर भी है और उसी हदीस में ब्रेक भी है, और गाड़ी में एक्सेलरेटर भी चाहिए और ब्रेक भी चाहिए।